हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। तो अपना केमिस्ट्री में जो चल रहा था विद्युत रसायन, तो उसका अपने वीडियो या चैप्टर में कंप्लीट किया था। चालकता, तुल्यांक चालकता, मोलर चालकता आदि अपन जो संबंधित तो सभी पार्ट अपना कंप्लीट हो गया था। आज का अपना जिस चैप्टर का इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक का नाम है कोलराउस का नियम। कोलराउस का आयनों की स्वतंत्र अभिगमन का नियम यानी कोलराउस का नियम या कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन का नियम इस चैप्टर में से यानी इस टॉपिक में से लगभग एग्जाम में हर सत्र क्वेश्चन आता रहे, तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको सावधान से अपने को पढ़ना है। कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार, कोलराउस नियम के अनुसार, किसी विद्युत अवघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता या फिर तुल्यांक चालकता, उसमें उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अब घट्टे की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, किसी विद्युत घट्टे की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान उसमें उपस्थित धनायनों एवं ऋणायनों की अनंत तनुता पर धनायन ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के मान के योग के बराबर होती है। यानी किस नियम की अनंत तनुता, किस नियम के अनुसार किसी विद्युत अवघट्य की अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है या फिर तुल्यांक चालकता का, वो मोलर चालकता का मान उसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन, यानी किसी विद्युत अवघटन जो धनायन और ऋणायन है उनके अनंत तनुता पर मोलर चालकता कितनी है, उनके योग के बराबर उस विद्युत अवघटन की कुल अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान होता है। यानी इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे? लैम्डा एन बराबर, लैम्डा इन्फिनेटिव है यानी लैम्डा एन क्या है? मोलर चालकता। लैम्डा इन्फिनेटिव है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता बराबर लैम्डा प्लस इन्फिनेटिव प्लस लैम्डा माइनस इन्फिनेटिव, ठीक है? या लैम्डा एन इन्फिनेटिव क्या है? अनंत तनुता पर मोलर चालकता, जबकि लैम्डा प्लस इन्फिनेटिव है धनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है? जबकि लैम्डा इन्फिनेटिव माइनस क्या है? ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता।
लैम्डा प्लस इन्फिनिटी एंड धनायन के अनंत मुक्ता पर मोलर चलता है, लैम्डा माइनस इन्फिनिटी एंड ऋणायन के अनंत मुक्ता पर मोलर चलता, और दोनों के योग के बराबर क्या होता है, उस विद्युत अवघट्य की अनंत अनुता पर कुल मोलर चालकता। उस किसी विद्युत अनंत अनुता पर जो मोलर चालकता का मान होता है इस धनायन और ऋणायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होता है, और जो धनायन और ऋणायन की जो अनंत अनुता पर मोलर चालकता होती है उसे कहते हैं सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता। ठीक है, ये डेफिनेशन एग्जाम में आई हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये परिभाषा आई हुई एग्जाम के अंदर, सीमांत मोलर चालकता किसे कहते हैं, तो किसी विद्युत अवघट्य की में किसी विद्युत अवघट्य में धनायन और ऋणायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकताओं के योग को कहते हैं सीमांत मोलर चालकता। क्या कहते हैं, सीमांत मोलर चालकता, यानी धनायन और ऋणायन, धनायन व ऋणायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकताओं के मान को कहते हैं सीमांत मोलर चालकता। ठीक है, तो यह था अपना कोलराउस का नियम। यदि धनायन और ऋणायन की संख्या एक से ज्यादा हो, सपोज कोई विद्युत अवघट्य जिसमें धनायन और ऋणायन की संख्या एक से अधिक हो, तो कैसे लिखेंगे अपन, लैम्डा इन्फिनेटिव एम, लैम्डा इन्फिनेटिव एम बराबर वी प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनेटिव प्लस वी माइनस लैम्डा माइनस इन्फिनेटिव। ठीक है, यहां वी प्लस और वी जो माइनस है वो धनायन व ऋणायन की संख्या को प्रदर्शित करेगा, वी प्लस है धनायन कितने, यहां पर वी माइनस यानी ऋणायन कितने, उनकी संख्या के योग को प्रदर्शित करता है वी प्लस और वी माइनस। ठीक है, तो ये तो था अपना कोलराउस का नियम। ठीक, अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा अपन समझेंगे, जैसे जैसे अपने पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट ही दे दिया अपने पास, नंबर एक है NaCl, कोई विद्युत अवघट्य NaCl का आयनन कैसे होगा, NaCl इक्वल टू Na प्लस प्लस Cl माइनस, इसको कैसे लिखेंगे हम, लैम्डा इन्फिनेटिव NaCl, लैम्डा इन्फिनेटिव NaCl, NaCl के अनंत अनुता पर मोलर चालकता बराबर लैम्डा इन्फिनेटिव Na प्लस यानी धनायन सोडियम प्लस के अनंत अनुता पर मोलर चालकता प्लस लैम्डा इन्फिनेटिव Cl माइनस यानी ऋणायन की Cl माइनस के अनंत अनुता पर मोलर चालकता, यानी धनायन और ऋणायन की सोडियम प्लस और Cl माइनस के अनंत अनुता जो मोलर चालकता उसका योग का मान NaCl के अनंत अनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होगा। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल मैं आपके लेता हूं, जैसे MgCl इक्वल टू Mg 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, यहां पर धनायन ऋणायन संख्या एक से ज्यादा है तो कैसे लिखेंगे अपन, लैम्डा इन्फिनेटिव MgCl2 बराबर लैम्डा इन्फिनेटिव Mg2 प्लस लैम्डा इन्फिनेटिव Mg2 प्लस, क्योंकि मैग्नीशियम कितना एक है, इसी प्रकार लैम्डा इन्फिनेटिव Cl माइनस लैम्डा इन्फिनेटिव Cl माइनस, अब Cl की संख्या कितनी है दो, जैसे अभी मैंने लिखा V प्लस V तो दो है तो यहां पर क्या लगा देंगे दो। ठीक है, इस प्रकार अपन कोई भी विद्युत अवघट्य दो उसको अपन कोलराउस नियम से उसको प्रदर्शित करते हैं, धनायन ऋणायन की योग के बराबर उसकी विद्युत अवघट्य की मोलर चालकता या फिर तुल्यांक की चालकता का निर्धारण अपन करते हैं। ठीक, ये तो था अपना कोलराउस का नियम, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।